हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एच फोटो वर्ल्ड पर। आज हम बात करने वाले हैं फ्रेम टूल की। फ्रेम टूल 2019 में ऐड किया गया है, पुराने वर्जन में नहीं है क्लिपिंग मास्क को। तो चलिए देखते हैं क्लिपिंग मास्क कैसे काम करता है। लेट्स मूव ऑन डेस्कटॉप। मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट बना लेता हूँ। ये मैंने एक सादा डॉक्यूमेंट बनाया है, ये नॉर्मल डॉक्यूमेंट है। हम एक इमेज ओपन करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं प्लस एम्बेडेड और प्लस लिंक की। प्लस एम्बेडेड पर करेंगे डेस्कटॉप। ये मैंने एक इमेज ओपन पहले इसकी, ये देखिए ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन के नहीं, ये पैलेस हो गया इसमें। ये देखिए स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनकर पैलेस हो गया। अब हम इसको कितना भी मूव करेंगे तो ये इसके बाहर नहीं जाएगा। ये देखिए इसके बाहर नहीं जाएगा, डॉक्यूमेंट इसी के अंदर ही रहेगा। इससे क्या होता है कि फाइल साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है लेकिन मेन उसी के अंदर रहती है। कंट्रोल जेड करता हूँ मैं। एक होता है प्लेस लिंक, ये सिर्फ प्लेस लिंक करता है। उसको करते हैं, ये देखिए ये भी वही है, इमेज इसी के अंदर रहेगी। ये देखिए ये देखिए ये देखिए कंट्रोल जेड करता हूँ, कंट्रोल हो। अब मैं क्या करता हूँ, क्लिपिंग मास्क किस तरह से हम यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट ले लेता हूँ। ये देखिए टेक्स्ट टूल सिलेक्ट किया, यहाँ पे एंटर किया, PHOTOWORLDS, कंट्रोल दबा के मूव कर लेते हैं। इसी में इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं कंट्रोल जे और ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। अब ये हमारे टेक्स्ट के ऊपर है। क्लिपिंग मास्क किस तरह से करते थे, पहले क्लिपिंग मास्क करने के लिए क्या करते थे, इस पर लेफ्ट क्लिक किया और करते थे कन्वर्ट टू फ्रेम, इसका नाम दे दिया, कर दे ओके। एम्बेडेड वाला फोटो को उठा के इसके ऊपर रख दिया करते थे। ये देखिए, पर इसमें क्या प्रॉब्लम थी कि ये एक साथ मूव होता था, उसको हम एडिट नहीं कर सकते थे, बिल्कुल भी एडिट नहीं कर सकते थे। कंट्रोल जेड करता हूँ, उसके बाद टेक्स्ट कर लेते हैं नीचे। अब इसको फोटो गए ऊपर, अब इसको किया क्रिएट क्लिपिंग में। इसमें क्या है, मैं इसको मूव करा सकता हूँ। कंट्रोल जीरो करता हूँ, ये देखिए इसको रिसाइज कर सकते हैं, इमेज को कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए टेक्स्ट को कहीं भी मूव कर सकते हैं, शिफ्ट के साथ दोनों को सेट करके कहीं भी मूव कर सकते हैं। ये देखिए कंट्रोल जेड। अगर आप इसके मेन्यू में नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि क्लिप मास्क करने से, तो अल्ट प्रेस कीजिए कीबोर्ड से और यहाँ पे एक एरो का निशान आ जाएगा। ये देखिए एक एरो का निशान आ जाएगा, बस इस पर इन दोनों के बीच में क्लिक कर दीजिए, क्रिएट क्लिप मास्क हो जाएगा। ये देखिए कंट्रोल जेड। अब बात करते हैं कि फ्रेम टूल कैसे यूज़ करते हैं। इमेज को थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। फ्रेम टूल सिलेक्ट किया और ये देखिए कितनी आसानी से किसी भी फ्रेम के अंदर हम फोटो लगा सकते हैं। ये देखिए कोने को सिलेक्ट कीजिए, मतलब कॉर्नर, और ड्रैग कीजिए इस तरह से। ये देखिए ये फ्रेम टूल आ गया। फ्रेम टूल जो है के ऊपर कुछ ऑप्शन होते हैं, लेकिन पहले आप देखिए मैं कोई इमेज ओपन करता हूँ, ओपन वही मैं इमेज ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए ऑटोमेटिक फ्रेम के अंदर चली जाएगी। अलग हुआ, अनलॉक किया, मूव टूल सेलेक्ट किया, ये कितनी आसानी से इस फ्रेम के अंदर इमेज चली गई। ये देखिए कितनी आसानी से चली गई। यहाँ से फ्रेम को मूव कर सकते हैं, ये इमेज को मूव कर सकते हैं, दोनों सेलेक्ट कीजिए सिर्फ के साथ, दोनों को मूव कर सकते हैं। फ्रेम पीछे है इसके, फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हैं, ये दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल जेड करता हूँ, किसी भी फ्रेम के अंदर इमेज को चाहे तो रिसाइज कर सकते हैं। ये दूसरा लेते हैं, ये देखिए ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं, प्लेस लिंक कर सकते हैं, किसी भी तरीके से इसके अंदर इमेज रहेगी, क्लिपिंग मास्क का काम ही करेगी। ये देखिए इसको ले लेते हैं, ये देखिए फ्रेम के अंदर ऑटोमेटिक कितना बेस्ट आया है, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, ऑटोमेटिक फिट आ गया इमेज। ये देखिए फाइल में जाते हैं, प्लेस लिंक करते हैं, और अब कि मैं इसको ले लेता हूँ, इसको ले लेता हूँ। ये देखिए तो फ्रेम टूल का बस इतना ही काम होता है क्लिपिंग मास्क करना। ये अच्छा टूल है, क्लिपिंग मास्क जगह हम इसको यूज़ कर सकते हैं, इसे करना क्योंकि मेन्यू में जाके आगे दबा करना, इसको भी यूज़ कर सकते हैं, बेस्ट और स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना कर देता है। इसको बंद करते हैं, 1280x720 मात्र रेजोल्यूशन है, 8GB कलर एडमिट करते हैं। देखिए ये दो तरह का होता है, एक रिक्टेंगल है और एक एलिप्टिकल है, किसी भी तरह से हम इसको सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए फिर एंड सुधा करेंगे तो एक स्क्वायर बनेगा। ये देखिए अब इसके ऊपर पहले कोई भी इमेज हम लगा सकते हैं, ये किसी के अंदर रहेगा। दूसरा है एलिप्टिकल। ये देखिए वही शिफ्ट के साथ करेंगे तो इसका रंग बनेगा। ये देखिए
तो ये क्लिपिंग मास्क करने का बेस्ट तरीका है, बेस्ट है। शिफ्ट के साथ करते हैं, कंट्रोल टी, बस यही होता है इस टूल का और कुछ नहीं होता। क्लिपिंग मास्क करता है, फ्रेम टूल होता है, बेस्ट है ये। 2019 में ऐड किया गया है, पुराने वर्जन में नहीं मिलेगा आपको। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।